दोस्तों, अगर आपके फोन का जो ये स्पीकर है ना, यहाँ से बहुत कम आवाज आ रही है और आप इसके वजह से बहुत परेशान रहते हो। जब आपने अपना फोन को खरीदा था तो दोस्तों नए में आपका फोन का स्पीकर का जो आवाज था वह दोस्तों सही आता था, लेकिन धीरे धीरे इस स्पीकर का आवाज कम हो गया है। तो कई लोग सोचते हैं कि स्पीकर ही खराब हो गया है और वह अपने फोन को स्पीकर को खराब जानकर दुकान पर जाकर स्पीकर को बदलवा लेते हैं। कुछ लोग तो ये करते हैं कि उनका स्पीकर से कम आवाज़ निकलता है तो वह बड़े से बड़े हेडफोन लगाकर कान में गाने सुनते हैं। तो दोस्तों, यह सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फ़ोन जब आपने नया ख़रीदा था उस समय अगर आपके फ़ोन से सही आवाज़ आती थी और बीच में अगर आपका आवाज़ कम हो गया है या आपका पुराना मॉडल का फ़ोन है और उसमें आपकी आवाज़ बहुत ही कम आ रही है, तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन की इस सेटिंग को कर कर अपने आवाज़ को दोस्तों 400 गुना बढ़ा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और आप अपने फ़ोन के आवाज़ को 400 गुना इनक्रीज कर सकते हो। पर ये कैसे करना है इस वीडियो में सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो इसके लिए हमारी इस वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को पूरा वॉच करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, इस वीडियो में हम आप लोगों को तीन तरीका बताएंगे। इन तीनों तरीका को फॉलो कीजिए, आपका जो आवाज़ है ना दोस्तों इतना बढ़ जाएगा कि आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। सोचोगे यार पहले कितना कम आवाज़ आता था और अब कितना ज़्यादा आवाज़ आने लगा है। अगर दोस्तों आप नया फ़ोन खरीदे थे उस समय आपका फ़ोन से आवाज़ सही आता था और धीरे धीरे साल दो साल पुराना हो गया फ़ोन तो आवाज़ कम आने लगा, उसके लिए आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, हर फोन में यहाँ पर स्पीकर होता है, किसी किसी फोन में एक दो स्पीकर होते हैं। अगर आपके फोन में दो हैं तो इस तरीके से यहाँ पर छेद दिया होगा। आपको यहाँ पर करना क्या है ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, ये कि पिन होता है जिससे हम अपने मोबाइल को क्या करते हैं कि सिम को निकालते हैं। आपको करना क्या है कि ये जो यहाँ पर स्पीकर का छेद है ना, यहाँ पर दोस्तों धूल मिट्टी जम जाने के कारण में आवाज यहां पर बिल्कुल कम हो जाती है, तो आपको एकदम बारीकी से इसको सफाई कर लेना है। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल बारीकी से सफाई कर लेना है पिन से, क्योंकि धूल मिट्टी पड़ने से स्पीकर जाम हो जाता है और आवाज यहां से कम आती है। तो पहली सेटिंग में आपको यहां पर इस छेद को साफ कर लेना है, ठीक ना, छेद को साफ कर देना है। उसके बाद कोई गाना बजा कर देखना है, अगर आवाज सही हो गया तो कोई भी सेटिंग मत करना, अगर आवाज फिर भी कम है तो दोस्तों आप लोगों को अब दूसरी सेटिंग अपने फोन में कर लेना है। दूसरी सेटिंग के लिए आपको अपने फोन की सेटिंग पे जाना है, फोन की सेटिंग को ऑन करना है। सेटिंग को ऑन करने के बाद में आपको यहां पर एक एडिशनल सेटिंग नाम की सेटिंग दिखेगी, इसको क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग को ओपन करने के बाद में यहां पर एसीबिलिटी नाम की एक सेटिंग होगी, इसको क्लिक करना है। जब एसीबिलिटी को क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखोगे कि यहां पर जनरल विजन और हेयरिंग नाम की एक सेटिंग होगी, बस इस हेयरिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही हेयरिंग पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप देखोगे कि वैल्यूम ऑटो बैलेंस का एक ऑप्शन आएगा। यहां पर एक मोनो ऑडियो नाम की एक सेटिंग होती है जो गुप्त होती है, जो हर फोन में होती है लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। आपको इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में आप यहां से अपने ऑडियो बैलेंस को इस तरीके से बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर बढ़ाना घटाना नहीं है, बिल्कुल बीचों बीच आपको ऑडियो बैलेंस को छोड़ देना है और कोई सेटिंग नहीं करनी है। तो यह दो सेटिंग हो गया है। अब लास्ट में अगर आपको इससे भी ज्यादा आवाज करना है, आप चाहते हो कि मेरा फोन का आवाज बिल्कुल 300-400 गुना इंक्रीज हो जाए, उसके लिए आप लोगों को यह थर्ड सेटिंग करना है। थर्ड सेटिंग से दोस्तों आपकी आवाज इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि आप कहोगे कि यार पहले में और अब में तो बहुत अंतर पड़ गया है। तो तीसरी सेटिंग कौन है, आइए सीखिए।
तो दोस्तों आप लोगों को एक छोटी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन का साइज मात्र 2 से 3 MB का है। इस एप्लीकेशन का क्या नाम है सब कुछ बताऊंगा। इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन का नाम है सुपर वैल्यूम बूस्टर। यह प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। आपको इस एप्लीकेशन को पहले यहाँ पर ओपन करना है। दोस्तों जैसे ही ओपन करोगे ना आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। बूस्टर नाम की एक सेटिंग होगी, यह बंद होगा तो इसको ऑन कर देना। अब यहां पर आपको कि यहां पर 125% का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो 125% आपकी आवाज इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में आप यहां पर कोई प्ले, यहां पर जैसे प्ले करोगे तो आपके फोन में अगर कोई सॉन्ग होगा तो वो प्ले हो जाएगा और अपने आवाज को आप सुन लेना कि आपका आवाज बढ़ गया या नहीं। अगर आपका आवाज फिर भी कम दिखता है तो आपको यहां पर 150% पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको यहां पर प्ले कर गाने सुनना है कि आपका आवाज बढ़ा या नहीं। अगर आपका आवाज ठीक ठाक हो गया तो फिर आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है, नहीं तो आप इसको लास्ट 175 पर कर सकते हो। दोस्तों आपको मैक्स पर नहीं करना है, क्योंकि मैक्स पर करोगे ना दोस्तों आवाज इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों आपका फोन का स्पीकर भी फट सकता है। तो दोस्तों यहां पर मैक्सिमम मेरा कहने का मतलब है कि 175 से ज्यादा और 150 तक ही आवाज को रखना। यह एप्लीकेशन इतना ज्यादा आवाज इंक्रीज कर देता है ना कि दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा। एक बार आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में अगर आपके फोन के वैल्यूम की आवाज बहुत कम है तो एक बार ट्राई करना। उसके बाद आप कहोगे कि यार मेरे फोन में तो बहुत कम आवाज आता था लेकिन अब आवाज बहुत ज्यादा हो गया है। तो जो 3 सेटिंग मैंने बताया वह 3 सेटिंग अगर आज आप अपने फोन में कर लेते हो तो दोस्तों आपकी जो आवाज की प्रॉब्लम है ना, फोन में आवाज कम आता है, वह प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को यही छोटी सी जानकारी बता रहे थे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।